Okay, students and parents, let's do some revision for exam purpose. As you know, exams are near. तो इस तरह से कुछ आप लोगों को अगर पेपर में आएगा तो आएगा, जहां पे इंग्लिश में आपको फोर लाइंस दी जाएंगी और उसमें लेटर्स के लिए टू डॉट्स मेंशन होंगे. तो आपने इस काम को कैसे करना है? अगर आपको ए टू एफ आती है, अब तक बच्चे सीख चुके हैं, इस तरह बच्चों की रिवीजन भी हो जाएगी और थोड़ा सा उनका रिमाइंडर भी हो जाएगा. ठीक है, तो एक दफा हम सारा पैटर्न और सारे लेटर्स को दोबारा रिवाइज करते हैं. अल्फाबेट स्टार्ट्स विद लेटर ए. हाउ वी विल राइट लेटर ए इन जॉइन दीज टू डॉट्स. ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एंड टेल. स्ट्रेट लाइन एंड टेल एंड देन ड्रॉ अ हाफ सर्कल जो ऊपर और नीचे लाइन को टच करेगा. लाइन से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकालना. दिस इज आवर फॉर्मेशन ऑफ लेटर ए. बी, हाउ वी विल राइट बी. बी हैज अ स्ट्रेट लाइन. ज्वाइन दीज टू डॉट्स एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. एंड बी हैज अ हाफ सर्कल बट उसका फेस राइट साइड पे होता है. सो draw a half circle. This is our letter B. B का half circle ऊपर और नीचे line को touch करेगा. line से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकालना. Okay? B के बाद क्या आता है? A, B and C. C, K. C is a half circle. So from this dot, draw a nice half circle जो ऊपर और नीचे line को touch करेगा. line से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकालना. Now, after writing C, what we will write? What comes after C? D. D will come after C. D has a straight line, a tail, और इसका जो half circle होता है, उसका face left side पे होता है. So, draw a nice half circle जो ऊपर और नीचे दोनों center lines को touch करेगा. line से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकालना. I am repeating again and again. जो भी आपका letter, कोई भी guideline line से बाहर जाएगी, that will count your mistake. E, अभी हमने लिखने की practice की है. E, E has a half circle जो ऊपर और नीचे line को touch करेगा. Just make a nice half circle. And from this dot, draw a sleeping line. This is our E. This is our E. And F, what is the formation of F? Join these two dots and draw a straight line. And F has a curve. And a sleeping line. This is our letter F. This is our pattern, our exam pattern, our paper pattern, our writing pattern. So if you want that your child gain full marks, excellent result in his or her exams, you should you make sure that your kid, your child write in the same way. अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के फुल मार्क्स आए, एग्जाम में एक्सीलेंट रिजल्ट आए, 100% रिजल्ट आए, पोजीशन आए, तो आपने अपने बच्चों को इस चीज का, इस पैटर्न का आदि बनाना है, इस नीटनेस का आदि बनाना है कि वो इस नीटनेस के साथ ही ये काम करें. दिस इज आवर करेक्ट पैटर्न फॉर प्ले ग्रुप.